ठीक है ये तो चलेगा आंदोलन वगैरह इससे तो निपटेंगे, अब ठीक है ये तो चलेगा आंदोलन वगैरह इससे तो निपटेंगे। जो भी मोदी जी आम आदमी के हित में काम कर रहे हैं उसका इन्होंने केवल विरोध ही करना, इन्होंने ये संकल्प कर रखा। अगर उसमें त्रुटि है तो उसमें निश्चित रूप से किसानों की बात सुनी जानी चाहिए। किसान आंदोलन कर रहे हैं इसमें भ्रमित है। आज जहां किसान सड़कों पर हैं, कृषि कानून के खिलाफ भारत बंद को कामयाब बनाने में जुटे हैं, अपनी मांगों को लेकर विरोध दर्ज करा रहे हैं, वहीं किसानों के एक गुट से सरकार को राहत भी मिली। भारत बंद के पूर्व संध्या पर हरियाणा के किसानों ने कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मिलकर गुजारिश की कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द न किया जाए। किसानों के इस प्रतिनिधि मंडल में 20 किसान शामिल थे, जिनमें भारतीय किसान यूनियन अतर के राष्ट्रीय अध्यक्ष अतर सिंह संधू और प्रगतिशील किसान संघ के कमल सिंह चौहान भी शामिल थे। किसानों के इस दल ने सरकार को एक ज्ञापन सौंपा। कृषि मंत्री से मुलाकात के बाद पद्मश्री से सम्मानित कमल सिंह चौहान ने कहा कि आंदोलनकारी किसानों को गुमराह किया जा रहा है। किसान आंदोलन कर रहे हैं इसमें भ्रमित है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमारा जो है MSP चला जाएगा, मंडी बंद हो जाएगी, पर सरकार हमारे मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया ना तो मंडी बंद होगी और ना MSP हटेगा और हम किसानों के साथ है और उनके साथ ये चाहते हैं कि सरकार हमें एक गारंटी दे कि मंडी बंद ना हो और MSP भी बना रहे और साथ में यदि बाहर टैक्स नहीं है तो मंडी में भी टैक्स इतना कम किया जाए कि ताकि मंडी भी बनी रहे। कृषि मंत्री से मिले हरियाणा के किसानों ने सतलुज का दांव भी चला। किसानों की मांग थी कि पंजाब उनका पानी दे, सतलुज लिंक जल्द बने। हम हरियाणा पंजाब के किसानों से यही वो करते हैं कि भाई जब हम एक साथ भोजन साझा कर सकते हैं तो क्या हम पानी नहीं बांट सकते। तो हमें उनका कहना है कि भाई हमारे यहाँ पे बाढ़ आ जाती है, ये होता है, हम बाढ़ झेलते हैं। हम कहते हैं आप एक दिन भी बाढ़ ना झेलें, हमारे हिस्से का हमें पानी दे दीजिए तो आपके यहाँ ना तो बाढ़ आएगी, हम भी संपन्न होंगे, आप भी संपन्न हो जाएंगे। सरकार आंदोलनकारी किसानों को मनाने में जुटी है, कल बातचीत का छठा दौर है। ऐसे में हरियाणा के किसानों से मुलाकात कर सरकार ने किसानों को संदेश देने में देर नहीं लगाई कि तीनों कानून किसानों के हक में है और सरकार इससे पीछे हटने वाली नहीं है। इन सब रिफॉर्म से निजी निवेश पहुंचेगा और जैसे जैसे निजी निवेश पहुंचेगा वैसे गांव में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और वैसे ही खेती फायदे का काम धीरे धीरे बनेगी। अब ठीक है ये तो चलेगा आंदोलन वगैरह इससे तो निपटेंगे, लेकिन आप सब लोग इस बिल का समर्थन करने के लिए हम पहुंचे हैं, इसलिए मैं आप सबका स्वागत भी करता हूं। ऐसे वक्त में जब आंदोलनकारी किसान के साथ 5 दौर की बातचीत बेनतीजा रही हो, किसान अड़े हों, लंबी लड़ाई की बात कर रहे हों, ऐसे में कुछ किसानों का साथ आना सरकार के लिए बड़ी राहत तो है ही। राहुल श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।